26 की सबसे बड़ी सब्जी मंडी को कोरोना का हॉटस्पॉट बन जाने की वजह से बंद करना पड़ा। अब वहां की सब्जी मंडी को चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में ISBT यानी अंतर्राज्यीय बस अड्डे में शिफ्ट कर दिया गया। और चंडीगढ़ के सबसे बड़े बस अड्डे के जिन प्लेटफॉर्म पर कभी बस यात्रियों की भीड़ होती थी, वहां अब सब्जियों की थोक दुकानें खोल दी गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 ISBT को सब्जी मंडी में तब्दील कर दिया गया है। दरअसल चंडीगढ़ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी सेक्टर 26 सब्जी मंडी के नजदीक ही बापू धाम इलाका है, जो कि कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। वहीं सेक्टर 17 के बस अड्डे को सब्जी मंडी में तब्दील हुआ देख लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। यहाँ सोचे था कभी सब्जी बिकेगी, यहाँ तो साफ सुथरा था, बस स्टैंड था, आने जाने के लिए बना हुआ था। चंडीगढ़ का मेन सेक्टर 17 है ये। यहाँ आम लोगों को आने की इजाजत नहीं दी गई, सिर्फ सब्जी के थोक और फुटकर दुकानदारों को ही मंडी में तब्दील बस अड्डे में आने जाने के लिए पास जारी किए जा रहे हैं। वो तो सर परेशानी तो वहाँ पे भी थी, यहाँ तो थोड़ा बहुत परेशानी तो उठानी पड़ेगा। वहीं चंडीगढ़ में सब्जी के थोक दुकानदारों का आरोप है कि मंडी शिफ्ट करने से उनकी परेशानी बढ़ गई। तो यहाँ दिक्कत आ रही है, लेबर पहले है नहीं, अब लेबर वहाँ से लेके आनी पड़ती है, फिर छोड़नी पड़ती है, उनको खाना खाने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। दिल्ली के अस्पतालों ने कोरोना से होने वाली मौतों का ब्यौरा सरकार को भेजा, तो राजधानी में मौतों की संख्या में अचानक उछाल आ गया। दिल्ली सरकार की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक एक दिन पहले आधी रात तक दिल्ली में कोरोना से 13 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद यहां कोरोना से मरने वालों की संख्या 86 हो गई। जबकि एक दिन पहले दिल्ली सरकार की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन में दावा किया गया था कि बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। बता दें कि दिल्ली में दो दिन पहले एक अस्पताल की ओर से जारी कोरोना की मौत के आंकड़ों और दिल्ली सरकार की बताई संख्या में काफी अंतर था, जिस पर सियासत गरमाई तो दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया कि कोरोना से मरने वालों का ब्यौरा रोजाना सरकार को भेजा जाए। और उसी के बाद कोरोना से 13 और लोगों के मरने की जानकारी सामने आई तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने सफाई दी कि मौत की ये संख्या एक दिन की नहीं बल्कि कई दिनों के छोटे आंकड़े अब सामने आए हैं। 13 कल डेथ रिपोर्ट की गई हैं, मैं आपको टोटल डेथ का आंकड़ा 86 हो गया है। हमने सभी हॉस्पिटल्स को लिखा था कि जो डेथ रिपोर्ट नहीं भेज रहे थे, जो उसके लिए डेथ की रिपोर्ट बना के भेजनी होती है, तो उन सबसे कहा गया है कि तुरंत भेजें, तो उन्होंने भेजी है। तो ये डेथ कल की नहीं है, पिछले कुछ दिनों की मिलाकर है। कोरोना के खतरे की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन ने कपड़ा उद्योग की कमर तोड़ दी। गुजरात में सूरत में भी पिछले 1.5 महीने से हजारों मिल, कारखाने, फैक्ट्रियां, दुकानें बंद हैं, जिसकी वजह से कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि लॉकडाउन में अब तक अकेले सूरत में इस कारोबार से जुड़े हजारों लोग नौकरियां गंवा चुके हैं और कई छोटे कारखाने बंद होने की कगार पर हैं। मजदूरों की गांव वापसी ने इस संकट को और बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि जब तक मजदूर वापस नहीं आएंगे, सैकड़ों फैक्ट्रियों में काम शुरू होना भी मुश्किल है। सूरत में कोरोना की वजह से कपड़ा उद्योग को 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पे करीब सारी 300 इंडस्ट्रीज है और ये पूरा समझो कि 1.5 महीना, मेरे को लगता है 2 महीना तक चलेगा। तो कम से कम 800 से 1,000 करोड़ जो नुकसान है वो टाली टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को है। सूरत में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद है। बड़े बाजार जहां से देश भर में सूरत से कपड़ा जाता है, वहां दुकानों पर ताला लटका है। ये संकट कपड़े के कारोबार की तो कमर तोड़ ही रहा है, साथ ही कारोबारियों की चिंता ये है कि मजदूर नहीं होंगे तो दोबारा काम कैसे शुरू होगा। कोरोना संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के PM इमरान खान पर उन्हीं की सरकार में मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि पाकिस्तान की संसद में विशेष चर्चा के दौरान वहां के विदेश मंत्री को कोरोना पर ब्रीफिंग के लिए खड़ा करने की क्या जरूरत। हमसे तो ना किसी ने पहले डिस्कशन की, ना ये पूछा कि आप कर क्या रहे हैं, ना उन्होंने ये पूछा कि ये बीमारी है क्या, इसमें मसाइल क्या है। और देखिए फ्रेंकली मैं भी इसमें ब्रीफिंग का अहल नहीं हूँ और फ्रेंकली हेल्थ मिनिस्टर भी कुछ वो वायरोलॉजिस्ट नहीं है। ये तो आपको पाकिस्तान के जो टॉप वायरोलॉजिस्ट है डॉक्टर फैसल को बुलाना चाहिए, जो इसमें और बाकी वायरोलॉजिस्ट हैं उनको बुलाना चाहिए। तो मैं बड़ा ये फ्रेंकली मायूस होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि हम पार्लियामेंट को किस तरह से रन करते हैं, डिसीजन मेकिंग जो है वो हम किस तरह से करते हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के संबोधन से ठीक पहले ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर विशेष पैकेज की मांग की थी। बच्चों को चोट पहुंचती है, मां रोती है, ऐसी कोई भी मां नहीं है जो जब अपने बच्चों के दिल में दुख होता है वो रोती नहीं। आज भारत माता रो रही है क्योंकि भारत माता के करोड़ों बच्चे, बेटे बेटियां सड़कों पे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं।
मैं सरकार से विनती करता हूँ, इनको आप घर पहुँचाइए, इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालिए और इनके रोजगार के लिए स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को आप एक जल्दी से जल्दी पैकेज दीजिए।